हाँ परफ्यूम आहे, त्याच थँक यू. व्यतिरिक्त हा मोबाईल चार्जिंग सॉकेट आहे. ऍक्च्युली आम्ही जाता येता तर इथनं बघतच होतो गाड्यांची, इथं नेहमी गर्दी असायची, पण आम्ही जस्ट विचारायला आलो तुमच्याकडे. आल्यानंतर खरोखर मनापूर्वक सांगतो की तुमच्यानंतर आम्ही तीन ठिकाणी जाऊन आलो, पण कुठल्याही प्रकारचा आम्हाला जे काही प्राइस भेटायला पाहिजे ते पण नाही भेटलं आणि क्वालिटी पण नाही भेटली. आणि जे काही तुम्ही आम्हाला सर्व्हिस दिली, जे काही क्वालिटी दिली किंवा ती, आम्ही खरंच सॅटिस्फाईड आहोत. बाकीचं वायरिंगचं वगैरे काम पाहिलं आम्ही तर असं वाटत नाही की बाहेरनं केलं, सगळं कंपनी सारखंच काम केलेलं आहे. त्याबद्दल खरंच तुमचे आभार. पुण्यातल्या ओव्हरऑल इथल्या लोकांनी तरी, नगर पुणा सातारा कोल्हापूर सांगली या लोकांनी खरोखर, मी सांगेन की जेन्युइन काम इथे होतं आणि तुम्ही यायला काही हरकत नाहीये, कारण मी अनुभव घेतलाय. तुम्ही एकदा हे गाइस आर बैक विद अनदर वीडियो. आज का वीडियो बहुत ही खास और स्पेशल है. आपको बताना चाहूंगा 2024 का जो लेटेस्ट वाली ब्रीजा है मारुति सुजुकी ब्रांड की, वो हमारे पास मॉडिफिकेशन के लिए आई. इस गाड़ी के अंदर भी हमारे इन फ्यूचर वीडियो के अंदर आप देखोगे कि प्रॉपर पैकेजेस. बस अभी इस गाड़ी के अंदर हम कोई पैकेज नहीं दे रहे, बट हाँ जो गाड़ी के ओनर को एक्सेसरी चाहिए, जैसे कि मारुति जेन्युइन आर्मरेस्ट हो गया, फोग लाइट हो गई, रियर में जो रिफ्लेक्टर आता है वो हो गया, ऊपर की तरफ जो रूफ रेल आता है हर वो चीज प्रॉपरली इंस्टॉल की गई है. सबसे मेन जो चीज है एलेक्साई मॉडल के अंदर, पीछे वाली रियर वाली सीट्स को हेडरेस्ट नहीं आता है, वो भी हम लोगों ने इसके अंदर इंस्टॉल किए हैं. तो इस वीडियो में बने रहिए, हर वो चीज प्रॉपरली इन डिटेल देखेंगे, तो इस वीडियो को कहीं पे भी स्किप नहीं करेंगे. तो विदाउट वेस्टिंग टाइम, मैं नितिन चौहान इस वीडियो की शुरुआत करता हूँ. लेट्स गेट स्टार्टेड. और एक चीज बताना चाहूंगा गाइज, इस गाड़ी के अंदर जो हम लोगों ने जैज एडिशन का एंड्रॉइड प्लेयर इंस्टॉल किया है, उसके बारे में इन डिटेल अनबॉक्सिंग रिव्यू जो है मैंने अपने दूसरे चैनल पे दिया है. उस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए. इस चैनल को जैसे आप सपोर्ट और प्यार देते हैं वैसा ही वहां पे दीजिए. स्टार्टिंग है और जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, जो भी चीज के बारे में, जो भी एक्सेसरीज के बारे में आप प्रॉपर रिव्यू चाहते हैं, तो वहां पे आप कमेंट कर सकते हैं. पूरा जैज एडिशन का जो हमारा एंड्रॉइड प्लेयर है उसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन मैंने दिया है, तो उसको भी देखिए. तो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं हमारी जो ब्रीजा है पूरी तरीके से मॉडिफाई होकर रेडी है घर पे जाने के लिए. पहले तो बता दूं जो भी एक्सेसरीज इस गाड़ी के अंदर हम लोगों ने इंस्टॉल की है, ओवरऑल देख सकते हैं गाइस बहुत ही ब्रिलियंट लुक जो है गाड़ी का आप लोगों ने एक्सटीरियर में देखा है. तो जो एक्सेसरीज हम लोगों ने एक्सेसराइज की है, ये फोग लैम्प यहाँ पे देख सकते हैं गाइस, हेला ब्रांड का हम लोगों ने फोग लैम्प इंस्टॉल किए हैं जो कि ब्रीजा के लिए ही आता है, जिसका फिट एंड फिनिश आप चेक कर सकते हैं. इसकी विजिबिलिटी भी आप चेक कर सकते हैं गाइस, बहुत ही ब्राइट जो है आपको इसकी लाइट मिल जाती है. इसका फिटिंग भी आप चेक कर सकते हैं, ऊपर की तरफ हैलोजन बल्ब है और नीचे की तरफ ये एलईडी वाला, तो जिसका ओवरऑल लुक भी जो है बहुत ही क्लासी लुक गाड़ी के अंदर आपको देखने को मिल जाता है. देख सकते हैं गाइस पीछे की तरफ आते हैं तो ऊपर टॉप में आपको ये रूफ रेल मिल जाता है जो कि एमटेक ब्रांड का है, जिसका फिट एंड फिनिश आप चेक कर सकते हैं. उसी के साथ हम लोगों ने कैच कवर भी इंस्टॉल किए हैं, उसका भी आप फिनिशिंग आप चेक कर सकते हैं. रियर में आते हैं तो देख सकते हैं कुछ इस तरीके का एक्सटीरियर है. यहाँ पे जो आप देख रहे हैं रिफ्लेक्टर, यहाँ पे देख सकते हैं गाइस फ्लोटिंग लाइट के साथ यहाँ पे इंस्टॉल की गई है. इसकी फिटमेंट भी आप चेक कर सकते हैं, लुक एंड ओवरऑल फिनिश भी चेक कर सकते हैं. बहुत ही ब्रिलियंट वर्क कर रहा है. देख सकते हैं अभी मैंने हजार लाइट इंस्टॉल की है, देख सकते हैं मैंने अभी हैजर्ड लाइट ऑन किया हुआ है, तो देख सकते हैं इंडिकेटर वगैरह सब कुछ प्रॉपरली वर्क कर रहा है. राइट साइड में अगर आप इंडिकेट करते हैं या लेफ्ट साइड में, तो वो प्रॉपरली फ्लोटिंग लाइट यहाँ पे देखने को मिल जाती है. तो एक्सटीरियर में ये सब चीज़ें हुई है. और यहाँ पे पीछे की साइड में आपको ये एएसडी कैमरा भी प्लेस किया हुआ मिलेगा. तो ये सब चीज़ें जो है एक्सटीरियर में इंस्टॉल हुई है. अंदर की तरफ चलते हैं, अंदर की तरफ आते हैं तो देख सकते हैं गाइस कुछ इस तरीके का इंटीरियर अपग्रेड हुआ है. सीट कवर ऑन ऑर्डर बनने वाला है और ये जो है स्टेयरिंग वो भी पूरा जो है स्टेयरिंग हब चेंज होने वाला है. टॉप मॉडल की गाड़ी के अंदर जो स्टेयरिंग आता है, स्टेयरिंग माउंटेड स्टेयरिंग है, वो चेंज करने वाला है गाड़ी के ओनर, इसलिए वो अभी हम लोगों ने पेंडिंग रखा है.
बट जो इंस्टॉल हुई है वो मैक्सोलिन का जैज एडिशन वाला एंड्रॉइड प्लेयर, जिसका फिट एंड फिनिश आप चेक कर सकते हैं गाइस। ये एंड्रॉइड प्लेयर 360 कैमरा सपोर्ट करता है, उसके अलावा फ्रंट और रियर कैमरा को DVR सिस्टम के साथ ये एंड्रॉइड प्लेयर है, और भी बहुत सारे फंक्शन के साथ ये फीचर्स देता है। आई बटन में मैंने उसका भी लिंक दिया है, इसका अनबॉक्सिंग हमारे ऑटो नगरीज यूट्यूब चैनल पे दिया है, तो वो भी आप चेक कर लेना, डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगी। और ओवरऑल फिट एंड फिनिश आप चेक कर सकते हैं। इसका पूरा जो बॉक्सिंग एक्सपीरियंस है और उसके अंदर जो फीचर्स आते हैं हर दो चीज़ मैंने उस वीडियो के अंदर दिया है। इसके अलावा हम लोगों ने इसी चारों डोर्स के अंदर जो है पाइनियर के स्पीकर्स लगाए हैं, जिस वजह से साउंड क्वालिटी वगैरह जो है एवन यहाँ पे सुनने को मिलने वाला है। उसके अलावा ये 3D मैट हम लोगों ने इंस्टॉल किए हैं, जिसका फिट एंड फिनिश आप चेक कर सकते हैं। सबसे मेन अट्रैक्शन, सबसे मेन जो इम्पोर्टेंट चीज़ हम लोगों ने की है वो ये देख सकते हैं गाइस, रियर वाला जो सीट है वहाँ पे ये नेकरेस्ट नहीं आता है, बट हाँ श्री कृष्णा कार एक्सेसरीज में हर वो चीज़ पॉसिबल है, और यहाँ पे हम लोगों ने इंस्टॉल किए है ये नेकरेस्ट, जिसका फिट एंड फिनिश आप चेक कर सकते हैं गाइस। प्रॉपरली जैसे OEM फिटमेंट होता है वैसा ही यहाँ पे काम हुआ है। उतना ही नहीं, यहाँ पे जो है आपको इस ब्रेजा के अंदर मारुति जेन्युइन एडजस्टेबल आर्मरेस्ट मिल जाता है, जिसका फिट एंड फिनिश आप चेक कर सकते हैं गाइस। प्रॉपर एसी वेंट के साथ यहाँ पे इंस्टॉल की गई है, यहाँ पे देख सकते हैं गाइस प्रॉपर ये एडजस्ट भी होता है बहुत ही अच्छी वर्किंग के साथ। यहाँ पे मैं प्ले करके यहाँ पे देख सकते हैं, इसको ओपन भी कर सकता हूँ। ये मारुति जेन्युइन यहाँ पे हम लोगों ने इस ब्रेजा के अंदर इंस्टॉल किया है, सामने से भी देख सकते हैं प्रॉपर फिटमेंट यहाँ पे देखने को मिल जाती है, और डैशबोर्ड पे भी देख सकते हैं हमारा जो 9 इंची एंड्रॉयड प्लेयर है उसका भी फिट एंड फिनिश। तो ये मॉडिफिकेशन आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिए। आपके पास भी कोई गाड़ी है जिसके अंदर कोई भी एक्सेसरीज आपको इंस्टॉल करानी है तो डू यूज इट एट श्री कृष्णा कार्स। तो गाइस हमारी जो ब्रीजा है पूरी तरीके से मॉडिफाई होकर रेडी है घर पे जाने के लिए, उनके ओनर भी हमारे साथ जुड़ चुका है, आइए उनसे जानते हैं श्री कृष्णा कार एक्सेस को लेकर उनकी क्या राय, उनका क्या फीड है। सगळ्या तरी इथे आल्याबद्दल धन्यवाद, तुमचं पण धन्यवाद। दादा तुम्हाला दोघांचं नाव सांगा आणि तुम्ही कुठून आला? मी अण्णासाहेब पवार, ऍक्च्युली आम्ही पुण्यामधून आलो धनकवडीवरून। दादांचं नाव विठ्ठल खाडे, धनकवडी पुण्याहून आले, पुण्यामधून। तुम्हाला कसं कळालं आपल्या शॉप बद्दल? ऍक्च्युली आम्ही जाता येता इथं बघतच होतो गाड्यांची, इथं नेहमी गर्दी असायची, पण आम्ही जस्ट विचारायला आलो तुमच्याकडे। आल्यानंतर खरोखर मनापूर्वक सांगतो की तुमच्या नंतर आम्ही 3 ठिकाणी जाऊन आलो, पण कुठल्याही प्रकारचं आम्हाला जे काही प्राइस भेटायला पाहिजे ते पण नाही भेटलं, आणि क्वालिटी पण नाही भेटली। तर काही काही रेट म्हणजे आम्ही चेक केल्यानंतर परत रिटर्न फिरून इथे आलो, आणि जे काही तुम्ही आम्हाला सर्व्हिस दिली, जे काही क्वालिटी दिली किंवा ते आम्ही खरंच सॅटिस्फाईड आहोत। थँक्यू सो मच, आभारी आहे तुमचे। थँक्यू थँक्यू थँक्यू। जे पण इथले टेक्निशियन आहेत काम करणारा बघ, तुम्हाला कसं वाटलं त्याबद्दल? नाही, खूप चांगले आहेत, त्यांनी काही गोष्टी जे नको होत्या त्या ते व्यवस्थित समजून सांगितलं, नको तिथे ते फिटिंग करायला त्यांनी खूप चांगले केलं। बाकीचं वायरिंगचं वगैरे काम पाहिलं आम्ही, तर असं वाटत नाही की बाहेरनं केलं, सगळं कंपनी सारखंच काम केलेलं आहे, त्याबद्दल खरंच तुमचे आभार। दादा तुम्हाला काय वाटत? नक्की, जे माणसांनी तुमचं काम केलं क्वालिटी त्याबद्दल खरंच त्यांचं एकदम मनापासून कौतुक करावं लागतं। थँक्यू सो मच, थँक्यू सो मच। दादा खूप छान वाटलं तुम्हाला दोघांचं पण कॉम्प्लिमेंट ऐकून। शेवटी ब्रिझासाठी लागणारे जे ऍक्सेसरीज तुम्हाला एका छताखाली सगळं मिळालं? नक्कीच भेटलं आम्हाला सगळं, मनासारखं काम झालं। नक्की नक्की, आता जे पण प्रेक्षकगण आपल्याला बघतात त्यांनी इथे येऊन काम करायला पाहिजे की नाही? नक्कीच, मी पुण्यामधल्या लोकांना सांगेन, कारण ऍक्च्युअली ब्रिझा जेव्हा घेतो ना तर त्यावेळेस कोणाकोणाचं स्वप्न असतं, तर त्यावेळेस ऍक्सेसरी संदर्भात आहे ना माणसं पूर्ण नेटवरती युट्यूबवरती आपण व्हिडिओ सर्च करत असतो, तर आपण दिल्लीचं मार्केट ऍक्च्युअली आपल्याला हायलाइट होतं पहिल्यांदा येतं, तर त्याच संदर्भात आमच्या डोक्यामध्ये असा विचार आला की दिल्लीला जावं, ऍक्सेसरी टाकाव्यात आणि पैसे वाचतील, पण एवढा काही डिफरन्स जाणवला नाहीये। आणि खरोखर सांगायचं म्हणजे पुण्यामध्येच आपल्याला जवळ चांगलं तुमचं या ठिकाणी सर्व्हिस पण देत आहे, मटेरियल पण क्वालिटी चांगली आहे, तर पुण्यातल्या ओव्हरऑल इथल्या लोकांनी तरी नगर पुणा सातारा कोल्हापूर सांगली या लोकांनी खरोखर मी सांगेन की जेन्युइन काम इथे होतं आणि तुम्ही यायला काही हरकत नाहीये, कारण मी अनुभव घेतलाय, तुम्ही एकदा घ्या। थँक्यू सो मच दादा, खूप छान वाटलं तुम्हाला दोघांनाही भेटून। दादा मी एक छोटासा गिफ्ट, हा बोला बोला। नाही नाही, तेच एक छोटासा गिफ्ट देऊ इच्छितो तुम्हा दोघांनाही। हा परफ्यूम आहे, त्याच्यानंतर हा मोबाईल चार्जिंग सॉकेट आहे। धन्यवाद, खूप खूप आभारी आहे। थँक्यू 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 थँक्यू।